सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि ये 19,000 किलोमीटर चला, 19,000। और सबसे प्लस पॉइंट ये है इसमें कि ये ऑटोमेटिक। पेट्रोल है कि डीजल? ये डीजल, मतलब माइलेज का बाप, माइलेज का बाप। ये आपको माइलेज बहुत ही अच्छा देगा, अप्रोक्स 18 माइलेज देगा पेट्रोल, पेट्रोल में। हाँ। तो आ जाएंगे इसके प्राइसिंग में। इसका प्राइसिंग आपको दे देंगे 1,49,000, मिल जाएगा 27। और प्राइस इसका हो जाएगा आपका 135। एलिट i20s का, ये भी 2019 का स्विफ्ट है। अच्छा, ये 2021 का BS6 मॉडल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आ गए आप लोग के लिए नया वीडियो लेके, कहाँ पर? कार स्टूडियो में। कमाल की स्टॉक होती है कार स्टूडियो में, ज़बरदस्त कंडीशन की गाड़ी रहती है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्विफ्ट डिज़ायर का आप लोग को न्यू शेप मिल जाएगा। दो दो ऑप्शन है, स्विफ्ट का भी ऑप्शन है, उसके साथ साथ स्कोडा की गाड़ी मिल जाएगी, i20, i10, जो भी गाड़ी आप लोग को चाहिए मोस्ट ऑफ द कार्स यहाँ पर अवेलेबल रहती है। लोकेशन में एक बार आप लोग को शेयर कर देता हूँ, फिर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मिल जाएगा। धापा में सिचुएटेड है JW मैरियट। शायद आप लोग को नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त ओस है, पर JW मैरियट के ठीक ऑपोजिट में बैंक ऑपोजिट वाली जो रास्ता है उस रास्ते से आपको जाना है। 5 मिनट्स आप लोग को आना है एंड आप लोग यहाँ पर पहुंच जाइएगा। ऑलमोस्ट 20-25 कार्स आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक गाड़ी का डिटेल्स आप लोग को देंगे, कौन सा गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ है सब कुछ आप लोग को बताएंगे। बाय द वे, 2023 में आप लोगों का क्या प्लान है, कौन सा गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा गाड़ी है। उससे पहले क्या करना है आप लोग को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। सपोर्ट कीजिएगा, अगर सपोर्ट कीजिएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40,000 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने वाला है, सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द 50,000 भी हो जाएगा, 60,000 भी हो जाएगा, वो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा गाड़ी है। तो गाइस हमारे साथ जॉनी दा है और जॉनी दा आपसे पूरा डिटेल्स बता देंगे गाड़ी के बारे में और उसके साथ साथ डीलरशिप के बारे में। तो जॉनी दा हम लोग के चैनल में वेलकम। पहला बार तो आपको भी कार स्टूडियो में वेलकम। एकदम, मेरा नाम जॉनी सरकार है और हम लोग आज जो गाड़ी देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बजट में होने वाला है। बिल्कुल, और बहुत ही मतलब मेरा हर एक कलेक्शन जो है सब कोई गाड़ी का स्मूथ इंजन मिलेगा आपको, और हर एक गाड़ी जो कि मैं खुद जाता हूँ, मेरे भैया जाते हैं। अच्छा। और हम लोग एक एक गाड़ी चुन चुन के लेके आते हैं। अच्छा, तो सबका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलेगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उसके लिए भी रेडी रहते हैं। अच्छा। ऐसे प्रॉब्लम गाड़ी हम लोग रखते नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आता भी है, हम लोग का खुद का सर्विस सेंटर है। अच्छा। तो खुद का वर्कशॉप है, तो ऑलवेज यू आर वेलकम। गाड़ी लेने के बाद भी हम लोग सर्विस देते हैं। और सेकेंड, हम लोग का ये जो लोकेशन है ये आपका जो थापा माटपुकुर में, ठीक है, ये प्रॉपर आपका जो आप साइंस सिटी और चिंगड़ी घाटा के ठीक मिडिल पॉइंट में है, बैंक ऑपोजिट JW मैरिट होटल। और बहुत किसी को JW मैरिट होटल भी नहीं पता, ये सबको पता होगा, ITC सोनार बांग्ला, ठीक बैंक ऑपोजिट टू सोनार बांग्ला। और आप लोगों को माँ ब्रिज के नीचे से आना पड़ेगा, ये आप लोगों को मैं बता दूं। हाँ। माँ ब्रिज के नीचे से एक रास्ता जा रहा है, वहां से बस आने से एकदम 5 मिनट्स है बस। एकदम, तो थोड़ा स्टार्ट कर लेते वीडियो को, देख लेते कौन कौन सा गाड़ी है। तो भाई आ जाते हम लोग की फर्स्ट गाड़ी में, और फर्स्ट गाड़ी एकदम धमाका होने वाला है, क्विड, बहुत ज्यादा डिमांड है। धमाके के साथ ही स्टार्ट करेंगे एकदम। 2018 लास्ट का गाड़ी है। ओके। और क्विड माना जाता है माइलेज किंग एकदम, ठीक है। इसमें आप अगर सिटी में भी चलाएंगे तो 18-20 तो ऐसे ही मिलेगा, हाईवे में 24 तो मिल ही जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और इसमें स्पेस भी बहुत बढ़िया है और RXT टॉप मॉडल है ये। अच्छा। 2018 लास्ट का है, ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर या नवंबर का गाड़ी है। अच्छा। और 23 लास्ट तक टैक्स पेड किया हुआ है। ओके, ओके, ठीक है। और सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि ये 19,000 किलोमीटर चला, 19,000 सिर्फ 19,000 किलोमीटर चला, 19,000 चला हुआ। ओके। और बाकी गाड़ी देख रहे हैं पूरा ओरिजिनल पेंट में, बहुत सही है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में एकदम। और इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी है, अभी मैं चेक कर रहा था, उसमें रियर पार्किंग कैमरा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आ जाएंगे इसके प्राइसिंग में। इसका प्राइसिंग आपके चैनल के लिए देखिए, मेरा ये इसका आस्किंग प्राइस है 2,99,000। ओके, ओके। मैं आपके चैनल के लिए एकदम डिस्काउंटेड प्राइस करूंगा जो कि होगा 2,85,000 में आप लोग को क्विड एयर पार्किंग कैमरा, इमैक्युलेट कंडीशन की सीट कवर, उसके साथ साथ गाड़ी का कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए। बाय द वे ये अभी ओपन में रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो धूल हो गई, बट डिलीवरी के टाइम में पॉलिश वगैरह किया जाता है। इंटीरियर पूरा क्लीन होगा। अच्छा। वैक्यूम होगा। अच्छा। पूरा पॉलिश होने के बाद ही डिलीवर्ड होगा, तो और अच्छा है। गाड़ी का कंडीशन बहुत सही है, क्रोम फिनिशिंग वगैरह भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।
नेक्स्ट गाड़ी में चलते हुए आ जाते हैं होंडा की सबसे ज्यादा सेलिंग हॉट सेलिंग गाड़ी हॉट सेलिंग गाड़ी होंडा सिटी। तो 2016 का VX टॉप मॉडल है। अच्छा, जिसमें आ जाता है सनरूफ। हाँ, और ये आ जाता है क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें भी पुश स्टार्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो ऐसा कोई फीचर्स है नहीं जो कि इसमें छूट गया हो। एग्जैक्टली सब टोटली फुली लोडेड फीचर्स है इसमें। अच्छा, तो 16 का गाड़ी है, 16 का मॉडल है, 26 तक टैक्स पेड है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है इसमें कि ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब सब कुछ मिल जाता है इसमें, सब कुछ मिल जा रहा है आपको। अच्छा, मतलब टोटली कम्फर्ट, टोटली फीचर्स लोड। एग्जैक्टली। और होंडा सिटी के बारे में ये चीज बोलना चाहूंगा कि होंडा सिटी का जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन होता है, गियर बॉक्स होता है, काफी ज्यादा फ्लूइड होता है। बहुत बहुत इजीली, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब गियर शिफ्ट हो रहा है एकदम। तो इसका कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये बाइक? ये अप्रॉक्स आपका 40-50 के आसपास चला हुआ। प्राइसिंग में आ जाएंगे। Okay. इसको आपको दे देंगे आपके चैनल के लिए ओनली 5,99,000। 5 लाख, 5,99,000 में आप लोग को एकदम टॉप मॉडल मिल रहा है 2016, 26 तक टैक्स पेड विद सनरूफ एंड कमाल की कंडीशन के इंटीरियर है, बेस कलर के इंटीरियर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हुए आ जाएंगे अब एक अमेज में, मतलब होंडा सिटी भी देख लिए, अमेज भी देख लिए, सब गाड़ी अवेलेबल है एकदम मेरे पास, सब वेरियंट अवेलेबल रहता है। अच्छा, और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे व्यूअर्स का क्या होता है, डिमांड रहता है कि ये गाड़ी चाहिए मुझे, ये गाड़ी चाहिए, तो उस लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मतलब? हाँ जरूर, आपको अगर कोई गाड़ी का रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर मेरे को फोन कीजिए। फोन करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा गाड़ी आपको नहीं देना चाहते हैं कि वो लेके आप बहुत ही मुसीबत में पड़ जाए। एग्जैक्ट, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, अच्छा गाड़ी लाएंगे, अच्छा प्राइस में देंगे आपको। ओके, तो मूविंग ऑन टू दिस, होंडा अमेज पेट्रोल है कि डीजल है? ये डीजल, मतलब माइलेज का बाप, माइलेज का बाप। कितना माइलेज मिल जाएगा इसमें? ये अप्रोक्स अगर सिटी में चलाएंगे तो 18 तो मिलना ही है आराम से, और हाईवे में जाएंगे 22-24 मिल जाता है इसमें। ओके, टोटली स्पेशियस है, कंफर्ट है, और अमेज मतलब होंडा का गाड़ी, रिलायबल भी होगा। तो इसके डिटेल्स ले लेंगे, 2013 का गाड़ी है। ओके, 13 लास्ट का अगस्त मंथ का गाड़ी है। अच्छा, तो ये ईयर में अगस्त तक टैक्स पेड है इसका। अच्छा, ठीक है, गाड़ी देख पा रहे हैं बहुत अच्छा कंडीशन में है, सेडान गाड़ी है, स्पेशियस है, डीजल में है, माइलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। फीचर्स में आपको एसी, पावर स्टेरिंग, पावर विंडो, साउंड सिस्टम टोटली सब मिल जाएगा। प्राइसिंग में आ जाएंगे, इसको आपको दे देंगे, देखिये मेरा इसका आस्किंग प्राइस है 2,49,000। अच्छा, तो टोटल डिस्काउंट करेंगे, इसके बाद मेरे को और बोलिएगा नहीं कि दादा इसमें और डिस्काउंट कर दीजिए। अच्छा, मैं आपके चैनल के लिए थ्रू अवे डिस्काउंट दे रहा हूँ 2,09,000। 2,09,000 में होंडा अमेज डीजल, वैसे भी डीजल का डिमांड काफी ज्यादा रहता है, और 2,09,000 में आप लोगों को होंडा अमेज डीजल मिल रहा है, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है, चेकआउट जरूर कीजिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पर इस गाड़ी का प्राइस होने के बाद मेरा एक चीज दिमाग में आ रहा है, ऑनलाइन बुकिंग वो अवेलेबल रहता है? हाँ, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जैसे ऐसा बहुत कस्टमर है मेरा पास, जैसे कुछ दिन पहले माइक्रा था। हाँ, वो आंध्र प्रदेश से कस्टमर। अच्छा, वो फोन किए मेरे को, फोन करके मैंने उनको पूरा गाड़ी वीडियो कॉलिंग में दिखाया। दिखाने के बाद उनको पसंद आया, क्योंकि वो हम लोग का, मतलब आंध्र प्रदेश में हम लोग का बहुत कस्टमर लेके जा चुके। अच्छा, तो वो भरोसा में वो वहीं से गाड़ी जस्ट वीडियो कॉल में देख के हम लोग को बुक कर दिए, 2-3 दिन में वो आएंगे गाड़ी डिलीवर लेके जाएंगे। तो वैसा हम लोग का फैसिलिटी है, आप कॉल कीजिए। वैसा भी हम लोग के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, नहीं भी करना चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, गो मैकेनिक होता है। हाँ, उसको बुक कर लीजिएगा, वो आ जाएगा, वो चेक कर लेगा, आपको रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद आप गाड़ी बुक कर दीजिए। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते भैया, आ जाएंगे अब एक स्विफ्ट में। स्विफ्ट डिजायर है शायद, स्विफ्ट डिजायर, वो भी डिमांडेबल नेवी ब्लू कलर में एकदम। 2019 का VXI मॉडल है, 24 तक टैक्स पेड है, बंपर टू बंपर ओरिजिनल पेंट में है, ये पेट्रोल वेरिएंट में। अच्छा, ओके, ठीक है, डीजल में जरूर ज्यादा माइलेज देता है, लेकिन ये 2019 का जो मॉडल है ये आपको माइलेज बहुत ही अच्छा देगा, अप्रोक्स 18 माइलेज देगा पेट्रोल, पेट्रोल में। और काफी ज्यादा, मतलब कभी बड़ी बात है कि आप लोगों को 18 का माइलेज स्विफ्ट डिजायर में पेट्रोल में मिलता है, देगा। इसका फीचर्स में जो आ जाते हैं, इसमें भी आपको स्टीयरिंग कंट्रोल, एसी, आफ्टर मार्केट, स्क्रीन टच लगा हुआ है। अच्छा, बैक कैमरा भी लगा हुआ है। ओके, और अंदर का जो इंटीरियर है बहुत ही अच्छा। अच्छा, कितना किलोमीटर ड्रिवन है भैया ये? अप्रोक्स 40 के आसपास चला हुआ है, 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है। प्राइसिंग में आ जाएगा, प्राइसिंग हो जाएगा आपके चैनल के लिए 5,60,000। 5,60,000 में, 5,60,000 में आप लोग को ये गाड़ी मिल जाएगी। अगेन, गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है, मैं सामने से देख के आप लोगों को बता पा रहा हूँ। जब आप लोग आइएगा गाड़ी ऑब्वियसली चेकआउट कीजिएगा, एक बार जरूर बताइएगा आप लोगों को कंडीशन कैसा लगा कमेंट में। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते भैया, आ जाएंगे अब एक मारुति की SX4। ये
2009 का है। अच्छा 24 तक टैगेड है। ओके और गाड़ी जो देख रहे हैं ये SX4 ZXI एकदम टॉप मॉडल, एकदम टॉप अलॉय व्हील के साथ, अलॉय व्हील का साथ। अच्छा और गाड़ी जिनका पास भी था बहुत ही मेंटेन किया है। सबसे बड़ा बात है 2008, 2009, 2010, 2012 ये सब में आपको फर्स्ट ओनर बहुत ही कम देखने में मिलता है, सेकेंड ओनर हो जाता है, लेकिन ये गाड़ी फर्स्ट ओनर ही है। अच्छा ठीक है, 2009 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर ही है, पेंट मोर ऑर लेस ओरिजिनली है। अच्छा टायर की कंडीशन भी काफी अच्छी है। कितना किलोमीटर चली हुई है ये भी अप्रोक्स 50 के आसपास चला है। 50,000 किलोमीटर 2009 की गाड़ी काफी कम है उस हिसाब से। काफी बहुत ही मेंटेन किया हुआ गाड़ी है और क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाएगा। एयरबैग्स भी है, एयरबैग तो काफी अच्छा है, मतलब फीचर लोडेड गाड़ी है। स्टीयरिंग कंट्रोल, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग टोटली फीचर, क्योंकि ये सेडान गाड़ी है तो लेग स्पेस, लेग रूम भी अच्छा मिल जाएगा, लेग रूम, बूट स्पेस सब कुछ सब मिल जाएगा। तो आ जाएंगे इसके प्राइसिंग में, इसका प्राइसिंग आपको दे देंगे 1,49,000 में। 1 लाख मतलब 1.5 लाख में, अराउंड 1.5 लाख में आप लोग को एक सेडान गाड़ी, वो भी मारुति की गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। 2009 की है, 50,000 किलोमीटर ड्रिवन, सारा फीचर लोडेड है, अलॉय व्हील के साथ, काफी अच्छी डील है, ये भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक i10 में, काफी अच्छा लग रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। ये 2012 का i10 मैग्ना है। अच्छा कप्पा इंजन के साथ। ओके टैक्स मिल जाएगा 27 गाड़ी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सेकेंड ओनर है। अच्छा ये मैं बता दिया आपको, सेकेंड ओनर है। अच्छा लेकिन गाड़ी टोटली मेंटेन है, 50,000 अराउंड चला हुआ है। ओके और वेल मेंटेन गाड़ी है, आप जब चलाएंगे गाड़ी, टेस्ट ड्राइव लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एकदम। और सीट कवर की कंडीशन मुझे दिख रही है एकदम नहीं है, वही बोल रहा हूँ बहुत ही मेंटेन रखा है। एक्जेक्टली प्राइसिंग में आ जाएंगे, इसका प्राइसिंग लास्ट प्राइस हो जाएगा 1,99,000 2012 की गाड़ी, 27 तक टैक्स पेड, अच्छे कंडीशन की गाड़ी है, चेकआउट जरूर कीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते, अब आ जाते हैं i10 में, इस बार पीच कलर में है। हाँ, पीच तो कलर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये 2009 का मैग्ना है। अच्छा i10 मैग्ना, इसका टैक्स मिल जाएगा आपको 24 तक टैक्स पेड। अच्छा फीचर्स में 4 पावर विंडो, अच्छा एसी, पावर स्टीयरिंग, ये आपको मिल जाएगा, मतलब सारा फीचर्स है। सीट कवर की कंडीशन में मुझे दिख रही है अच्छी है, अच्छी है। तो इसका प्राइसिंग में गाड़ी भी वेल मेंटेन है और प्राइस इसका हो जाएगा आपका 135,000 में आप लोग को पीच कलर की अच्छे कंडीशन की गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी, i10 2009। इसके बाद भी अगर इस गाड़ी के लिए कोई आ रहा है ऑन टेबल, मैं कुछ कोशिश करूंगा आपके चैनल से जो आएगा थोड़ा बहुत और डिस्काउंट कर दूंगा। बिल्कुल तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा इस गाड़ी में, चैनल का नाम बताना, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़े, अब ऐसे इंडियन की फेवरेट गाड़ी में ऑल्टो, बहुत दिन से चलते हुए आ रहा है, अभी भी चल रहा है, ये जो गाड़ी लेगा और भी साल चलाते रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी 2010 ऑलमोस्ट 10 सितंबर या नवंबर का गाड़ी है। ओके 25 लास्ट तक टैक्स पेड है इसका। अच्छा सबसे प्लस पॉइंट ये है, गाड़ी अभी भी ओरिजिनल पेंट में। अच्छा वाह, पूरा बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है। अच्छा और जेन्युइनली 30,000 चला हुआ है, 30,000 ओके ठीक है। गाड़ी टोटली वेल मेंटेन्ड है, आप जब चलाएंगे गाड़ी को तो टोटली स्मूथ है, लगेगा कि आप 2010 में आ चुके हैं और आपका नया गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा। अच्छा तो जिसको ऑल्टो चाहिए, माइलेज चाहिए, तो आप एक बार आके ये गाड़ी देख सकते हैं। टायर्स का कंडीशन भी बहुत ही, मतलब ऑलमोस्ट 85-90% का कंडीशन है। तो इसका प्राइसिंग में आ जाएंगे, ये आपके चैनल के लिए लास्ट कर देंगे 1,35,000 ये भी गाड़ी और भी कम में मिल जाता है ऑल्टो। अच्छा लेकिन ये कंडीशन में ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मिलेगा। अच्छा तो अच्छा गाड़ी देने के लिए मेरे को भी थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो गाड़ी अच्छा है, 135 is worth it एकदम। और by the way first owner गाड़ी है ये? हाँ first owner गाड़ी आप लोगों को मिल रही है, ये भी चेकआउट कीजिएगा। आ जाते हैं अब एक फोर्ड की गाड़ी में, और फोर्ड की गाड़ी में क्या होता है, माइलेज अच्छा मिलता है, सेफ्टी फीचर्स अच्छा मिलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है गाड़ी, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो ये 2018 का फोर्ड फिगो है, फोर्ड फिगो आप लोग ने तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है फोर्ड फिगो का, लेकिन पुराना वाला मॉडल, हाँ एक बार ये वाला मॉडल भी चला के देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बनाया है। आपको इको स्पोर्ट्स या फिर एस्पायर में जो फीचर्स रहता है सेम फीचर्स इसमें आपको मिल जाएगा, और इंटीरियर भी ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम है। और ये टाइटेनियम है जो कि टॉप मॉडल है। अच्छा तो टोटली जो जो फीचर्स होता है वो आपको मिल जाएगा, आपका बैक वाइपर, रियर वाइपर, डिफॉगर, एयरबैग्स, सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा इसमें। और या उसके साथ साथ अलॉय व्हील भी आप लोग देख पाइएगा, टायर्स की कंडीशन भी एकदम ही ब्रांड न्यू है। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? चला हुआ है 26,000
26,000 किलोमीटर चले, एकदम ही लोड ड्रिवन है। फोर्ड फिगो व्हाइट कलर में, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे अच्छा लगा। और प्राइसिंग में आ जाएंगे इसका? प्राइसिंग देखिए, हम लोग ने ऑनलाइन कोट किया है 3,75,000। अच्छा, लेकिन वो प्राइस में आपको नहीं देंगे। अच्छा, जो कि इसका लास्ट प्राइस होगा वो होगा 3,65,000। 3,65,000 फोर्ड फिगो, और ये टाइटेनियम, टाइटेनियम, और सारा फीचर्स मिल जाता है, एयरबैग से लेके अलॉय व्हील तक सब कुछ मिल जाता है डिफॉगर के साथ। चेकआउट कीजिएगा इसको भी, हम लोग का और कुछ गाड़ी है वो सब भी देख लेते हैं। तो दादा इसमें आ जाएंगे i20 है, Elite i20, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। Elite i20 S था, जो कि टॉप मॉडल होता है। अच्छा, हाँ, 2018 का मॉडल है। अच्छा, 23 तक टैक्स पेड किया हुआ है। ओके, ठीक है, मतलब 23 आ गया है, लेकिन इसका जो टैक्स है लास्ट तक टैक्स पेड किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो फीचर्स में आपको मिल जाएगा, मतलब एस्टा जब टॉप वेरिएंट है तो आपको बस पुस्टार्ट नहीं मिलेगा, पुस्टार्ट रहता है एस्टा ऑप्शनल में। अच्छा, ओके ओके, एलॉय व्हील वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, एलॉय व्हील, एयर बैग, स्टीयरिंग कंट्रोल, एसी, सब कुछ। और इंटीरियर आप जरूर दिखाएंगे, इंटीरियर बहुत लाजवाब इंटीरियर। तो आ जाएंगे इसके किलोमीटर ड्रिवन में, कितना किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चला हुआ है? ये अप्रोक्स चला हुआ है आपका 40,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइसिंग में आ जाएंगे तो आपके चैनल के लिए लास्ट प्राइस कर देंगे 5,25,000 में आप लोगों को i20 Elite i20 Asta, मतलब एकदम टॉप मॉडल आप लोगों को मिल जा रहा है। बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है, गाड़ी का कंडीशन आप लोग चेकआउट कीजिए, सिनेमैटिक में ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, एंड टायर से कंडीशन भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं भैया। सो आ जाते हैं अब एक स्विफ्ट में, ये स्विफ्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये भी 2019 का स्विफ्ट है। अच्छा, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में। अच्छा, ठीक है, और गाड़ी जिनका था हाई प्रोफाइल है। अच्छा, उनका, और वो गाड़ी बहुत ही मेंटेन किए हैं। Okay. गाड़ी में आप देख पा रहे हैं कस्टम फिटेड अलॉय व्हील्स है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। गाड़ी टोटली सर्विस आपका एकदम मारुति से ही हुआ है। अच्छा, टाइम टू टाइम सर्विस हुआ है, चला है 34,000। अच्छा, ठीक है, 19 का गाड़ी 34,000। मुझे पता है ऐसा 19-20 का गाड़ी सब कोई कम चला हुआ खोजते हैं, लेकिन 34,000 चलने के बाद भी इतना मेंटेन है, आप जब गाड़ी एक बार स्टार्ट करेंगे तो टोटली साउंडलेस है, बिल्कुल ठीक है। और ये VXI है, तो मिड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट नहीं है, मिड वेरिएंट है, लेकिन मार्केट अलॉय फिटेड मिल जा रहा है आपको। और फीचर्स में स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, एसी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्राइसिंग में आ जाएंगे? ओके, प्राइस इसका मैं आपको दे दूंगा 5,15,000 में। 5,15,000 में, अगेन कंडीशन बहुत ही अच्छा है, जेन्युइनली मैं यहाँ पर बहुत सारा सिनेमैटिक ले चुका हूँ पहले ही, गाड़ी का हर एक गाड़ी का कंडीशन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारा गाड़ी का कंडीशन अच्छा है। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट गाड़ी में, ग्रैंड i10। ये ग्रैंड i10 2018 दिसंबर का है। अच्छा, मतलब एक महीना कम 19 का गाड़ी है। ओके, तो मैं वैसे ही बात करूंगा 19 का गाड़ी है, तो टैक्स भी हो जाएगा इसका 2018 का दिसंबर का, तो 23 दिसंबर, मतलब 24 ही पकड़, ऑलमोस्ट 24। i10 ग्रैंड i10 मैग्ना है ये। अच्छा, और गाड़ी वेल मेंटेन ही है और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। अच्छा, फीचर्स क्या क्या मिल जाता है वैसे? फीचर्स इसमें मिल जाएगा आपको चारों पावर विंडो, एसी, स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं है इसमें, एयर बैग है। अच्छा, एक एयर बैग मिल जाएगा आपको, और आपको बाकी जो फीचर्स रहता है बेसिक्स में जो रहता है वो मिल जाएगा आपको। किलोमीटर कितना ड्रिवन है? किलोमीटर अप्रोक्स 50,000 जैसा चला हुआ है। 50,000, और ये भी फर्स्ट ओनर है ना? फर्स्ट ओनर है, तो अभी तक जितना भी गाड़ी कवर किया सारा फर्स्ट। मेरे पास ऑलमोस्ट सब फर्स्ट ओनर ही गाड़ी रहता है। अच्छा, सेकंड ओनर हम लोग तभी देखते हैं, गाड़ी का कंडीशन के हिसाब से लेते हैं। प्राइसिंग में आ जाएंगे भैया? इसका प्राइसिंग आपके चैनल के लिए लास्ट कर देंगे 3,75,000 ग्रैंड i10 मैग्ना 2019 बोल सकते हैं, 2018 दिसंबर की गाड़ी है, अच्छी कंडीशन की गाड़ी है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं उसकी बड़ी भाई i20 में, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, मैंने पहले एक दिखा चुका है i20 Asta Elite, एग्जैक्टली वो Asta टॉप मॉडल था। हाँ? और ये भी टॉप से, मतलब टॉप है नहीं, लेकिन टॉप से भी कुछ कम नहीं है। अच्छा, ये 2019 का स्पोर्ट्स प्लस है। ओके, ठीक है, स्पोर्ट्स प्लस में आपको अलॉयज मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है स्पोर्ट्स में जो नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है, 19 का गाड़ी है, 24 तक टैक्स पेड किया हुआ है, ओरिजिनल मोरलेस ओरिजिनल पेंट में है। और सबसे खासियत बात इसका ये है कि ये ओनली 18,000 किलोमीटर, 18,000 चला हुआ है, वेल मेंटेन गाड़ी है। और इसमें क्योंकि ये स्पोर्ट्स प्लस है, इसमें आपका टच स्क्रीन नहीं आता। अच्छा, है, लेकिन कस्टम फिटेड टच स्क्रीन लगा हुआ है। ओके, मतलब और वो भी कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। ओके, मतलब आपको ऐसा जो जरूरत पड़ेगा लेने के बाद लगाने के लिए
वो ऑलरेडी लगा हुआ है ठीक है। और इंटीरियर में भी बहुत ही अच्छा इंटीरियर है और इसमें लाइटिंग वाइटिंग सब लगा हुआ है, एम्बिएंट लाइटिंग पूरा एमएलआई सब लगा हुआ है। प्राइसिंग में आ जाएंगे भैया, तो इसको हम लोग दे देंगे आपके चैनल के लिए 5,65,000। कितना किलोमीटर ड्रिवन है भैया? 18,000 ड्रिवन, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन की, रेड कलर की, मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलर भी है, तो चेकआउट इसको भी कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट गाड़ी में। मेरे सामने स्कोडा की रैपिड है, काफी डिमांडेबल गाड़ी, अगेन स्कोडा ब्रांड की तरफ से लग्जूरियस ब्रांड बोल सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे भैया ने बता दिया कि ये एक लग्जरीज वेरिएंट में आ जाता है, ये 2013 का गाड़ी है, इसी ईयर टैक्स है, मिड में इसका टैक्स है। अच्छा, ठीक है, ये बेस वेरिएंट है। अच्छा, तो इसमें आपको चारों पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी, जो जो मिलना चाहिए इसमें अवेलेबल है। अच्छा। और गाड़ी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, इसका जो टायर्स देख रहे हैं, टायर्स भी बहुत अच्छा कंडीशन में है। अच्छा। और स्टेपनी अभी भी अनयूज्ड है। ओके, कितना किलोमीटर चला हुआ है भाई? ये अप्रोक्स 50,000 चला हुआ है, 50,000 किलोमीटर चली हुई है। ओके, और गाड़ी फॉर यूथ, मतलब हम लोग यूथ के लिए ये गाड़ी बहुत स्टाइलिश भी है, और गाड़ी अगर आप लेके निकल जाएंगे, मैं जो प्राइस में दे रहा हूँ, आपका अगर फ्रेंड पूछेगा कि भाई कितना में लिया, और जब आप प्राइस उनको बताएंगे तो वो खुद भी चौंक जाएंगे। अच्छा। सच में इतना प्राइस में लिया है, कितना प्राइसिंग होने वाला है इसका? ये आपको दे देंगे 2,25,000 में। 2,25,000 में, वाओ। और स्कोडा रैपिड काफी डिमांडिंग गाड़ी है, एंड स्कोडा ब्रांड ही वैसे भी काफी डिमांडिंग है, पावरफुल इंजन मिल जाता है, इंटीरियर भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, व्हाइट कलर या बेज कलर के इंटीरियर, और फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इसमें? फीचर्स आपको मिल जाएगा चारों पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एयर बैग, मतलब सारा फीचर्स ही है। हाँ, सारा फीचर्स, तो काफी अच्छा गाड़ी है, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, 2,25,000 में वर्थ इट है। हम लोग नेक्स्ट गाड़ी में आगे बढ़े, अब आ जाते हैं स्विफ्ट में, स्विफ्ट डिजायर है शायद ये भी, व्हाइट कलर में, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, ये 2021 का BS6 मॉडल है। 2021, एकदम रिसेंट? एकदम रिसेंट। अच्छा, 26 तक टैक्स पेड है। ओके, अभी भी गाड़ी वारंटी में है। अच्छा, ठीक है, गाड़ी व्हाइट में है, जो कि शुभ माना जाता है, एकदम व्हाइट कलर शुभ माना जाता है। ये भी चला हुआ है अप्रोक्स आपका 40,000 जैसा, 40,000, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, वेल मेंटेन्ड है, टाइम टू टाइम सर्विस हुआ है, बहुत ही अच्छे से जो इनका ओनर था, बहुत वेल मेंटेन किया। और ये भी ओरिजिनल पेंट लग रहा है देखने में, फुल ओरिजिनल पेंट, फुल ओरिजिनल पेंट में। और फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं? फीचर्स में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, स्टीयरिंग कंट्रोल, साउंड सिस्टम, और क्योंकि ये 2021 का है तो इसमें आपको ORVM ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, मतलब सारा एकदम फीचर्स मिल जाता है। प्राइसिंग में आ जाएंगे, प्राइसिंग इसका हो जाएगा आपका 6,49,000। 6,49,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। 2021 की है, मतलब एकदम ही रिसेंट ईयर की गाड़ी है, अभी तक ब्रांड वारंटी इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं, आ जाएंगे अब एक महिंद्रा की क्वांटो, तो इसके बारे में बता दीजिए। 2013 का है, टैक्स अप्रैल या जुलाई तक पेड है, गाड़ी आपका डीजल में है, सेवन सीटर गाड़ी है, अप्रोक्स 50,000 जैसा चला हुआ है। सबसे प्लस पॉइंट है सेवन सीटर है, मतलब स्पेशियस है, और महिंद्रा की गाड़ी है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, और माइलेज भी अच्छा मिलता है। अच्छा, तो जिनको जाइलो या फिर सेवन सीटर गाड़ी चाहिए तो एक बार क्वांटो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही स्मूथ है, डीजल इंजिन है, बहुत ही स्मूथ है, तो गाड़ी का कंडीशन बहुत ही अच्छा। अच्छा, प्राइसिंग कितना होने वाला है आपके चैनल के लिए? 2,25,000। 2,25,000 सेवन सीटर महिंद्रा क्वांटो, और ये भी काफी अच्छा चली हुई गाड़ी है, इसका ही शायद रीब्रांड है जाइलो मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। महिंद्रा की गाड़ी है तो ट्रस्ट वैसे भी आना चाहिए, मतलब मुझे तो आता है। नेक्स्ट गाड़ी में तो आ जाते हैं हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी में, इस बार है ऑल्टो केटन, तो इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये 2012 की गाड़ी है। अच्छा, लाइफ टाइम टैक्स पेड है। ओके, लाइफ टाइम टैक्स पेड, काफी ये भी मोर ऑर लेस ओरिजिनल पेंट में है। गाड़ी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, VXI टॉप मॉडल। अच्छा, ओके, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट टू पावर विंडो मिल जाएगा, AC, पावर स्टेयरिंग, और गाड़ी भी चला हुआ है आपका 40-50,000 जैसा चला हुआ है, 40-50,000। और ऑल्टो केटन भी काफी अच्छा माइलेज देता है, बहुत अच्छा। कितना माइलेज मिल जाएगा इसमें? ये आपको सिटी में 18-20 माइलेज दे देगा। आ जाएंगे इसके प्राइसिंग में, ये आपको लास्ट प्राइस कर देंगे 1,65,000 में आप लोग को ऑल्टो केटन मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट गाड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वैगनआर में, मतलब इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फेवरेट गाड़ी वैगनआर, चलते हुए आ रहे, अभी तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी वांटेड है, क्योंकि ये आपका स्पेशियस है, टॉमबॉय लुक्स है इसका, हाई हाइट है, और गाड़ी अभी भी जो न्यू शेप में निकल गया है, लेकिन कस्टमर अभी भी पुराना शेप ही खोज रहे हैं।
तो ये है 2012 की गाड़ी। अच्छा, 27 तक टैक्स पेड किया हुआ है। ये एलेक्साई मॉडल है। दो पावर विंडो मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग और साउंड सिस्टम। एसी तो होता ही है। और गाड़ी का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है। Exactly. कितना किलोमीटर ड्रिवन है ये बाइक अभी? ये अप्रॉक्स 53,000 चला हुआ है, मतलब उसी के आसपास चला हुआ। और प्राइसिंग में आ जाएगा, प्राइसिंग ये आपको दे देंगे 2,20,000 में। 2,00,000 2,20,000 में आप लोगों को 2012 की और जेन्युइनली इमैक्युलेट कंडीशन की गाड़ी है। ये भी शायद ओरिजिनल पेंट में, क्योंकि एकदम माइन्यूट सा स्क्रैचेस मुझे दिख रहा है, तो ये भी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। चेकआउट जरूर कीजिएगा इसको भी। इस गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं और एक वैगन आर में। मतलब एक वैगन आर ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दूसरी वाली वैगन आर है ब्लू कलर में। इस ब्लू में तो ये भी 2011 का है। अच्छा, एलेक्साई मॉडल है। अच्छा, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में। ये भी आसपास 50,000 के आसपास चला हुआ है। अच्छा, लेकिन बहुत ही वेल मेंटेन चला हुआ है। टायर्स का कंडीशन चारों बहुत अच्छा है। अच्छा, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही वेल मेंटेन है। अच्छा, तो ये कितना किलोमीटर चला हुआ बताएं? 53,000 प्राइसिंग में आ जाएंगे। प्राइसिंग कितना रखेंगे? ये आपको दे देंगे 1,99,000। 1,99,000 में आप लोगों को ये गाड़ी मिल जाएगी। 2,20,000 में 2012 की गाड़ी मिल जाएगी। 2011 की गाड़ी चाहिए तो आप लोगों को 1,99,000 में मिल जाएगी। और गाड़ी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आ जाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता है लोन्स के बारे में। हाँ, यहाँ पे आपका लोन्स हो जाएगा मिनिमम 20% डाउन का, 80% लोन हो जाएगा। देखिए, अगर आपका बिजनेस है तो आपको आईटी फाइल, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, बाकी आधार पैन वोटर लगता है। और अगर आपका सर्विस है तो आपको 3 महीना का पेस्लिप देना पड़ेगा, 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट और आधार पैन वोटर। बहुत सही, मतलब एकदम ईजी प्रोसेस है। हाँ, और बाहर के अगर कस्टमर लेना चाहते हैं, बाहर के कस्टमर के लिए पैन इंडिया भी होता है हम लोग का। अच्छा, लेकिन हम लोग से एक बार फोन करेंगे, गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनका प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ बाहर से अगर कोई लोन लेने मांग रहे हैं, एक बार कॉल कीजिएगा, मेरा बैंक का जो पर्सन है मैं उनसे बात करके आप अगर होगा तो मैं करवा दूंगा। बिल्कुल, तो अगर आप लोग बाहर से देख रहे हैं, कोई भी स्टेट से देख रहे हैं, तो आप एक बार कॉल कर लीजिए। नंबर पूरे टाइम नीचे में चल रहा होगा, एक बार कॉल करके आप लोग एक बार पूछ लीजिए कि आप लोग के लिए लोन होगा कि नहीं होगा। एनओसी तो मिल जाता है। हाँ, एनओसी मिल जाता है। एनओसी मिल जाएगा। और कुछ सर्विस वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम लोग का 3 फ्री सर्विस रहता है। अच्छा, जैसे नया शोरूम में दिया जाता है वैसे सेम हम लोग भी 3 फ्री सर्विस देता है। अच्छा, जिसमें आपका लेबर चार्ज नहीं लगेगा। लेबर चार्ज नहीं लगेगा, तो लेबर चार्ज फ्री। और कहाँ पर होता है वो सर्विस? मतलब ये हम लोग का पीछे ही वर्कशॉप। अच्छा, पीछे ही वर्कशॉप है, तो एकदम नजदीक है। आप लोग आइएगा तो आप लोग को सब कुछ डिटेल्स बता दिया जाएगा। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक कीजिए वीडियो को एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ओवरऑल कैसा लगा। आगे हम लोग वापस मिलेंगे फिर से नया स्टॉक रखे नया डीलर के पास। वापस आएंगे आप लोग के लिए कमाल की गाड़ी लेके। उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले एक चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग देख लीजिए, JW मैरियट आप लोग को दिखाई देगी, गाय भी दिखाई देगी। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी कॉलीफ्लावर ग्रो किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए, आप लोगों को भी कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा।